नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल प्रदेश में उपचुनाव में सभी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इसी कड़ी में सपाक्स पार्टी के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का विमोचन किया गया। कार्यकारी राष्ट्रीय डॉक्टर वीणा घाड़ेकर रिटायर्ड IAS ने बताया कि सपाक्स पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में 12 उम्मीदवार तथा बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव में सपाक्स पार्टी के 6 उम्मीदवार पहली बार खड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने संकल्प पत्र का विमोचन किया एवं सपाक्स पार्टी के मुद्दों पर प्रकाश डाला। पदाधिकारियों का सपाक्स पार्टी के कार्यालय में स्वागत है। आज हमने अपने संकल्प पत्र का यहाँ पर विमोचन किया। सपाक्स पार्टी के संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है जी, और इनमें जो सपाक्स पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उसका संक्षेप ये है कि हम भारत देश की एकता और अखंडता में अटूट विश्वास रखते हैं। ये जो भारत को जातिवादी व्यवस्थाओं में बांटने की जो कुरीति और षड्यंत्र भाजपा और कांग्रेस का चल रहा है, कहीं गुर्जर, कहीं पटेल, कहीं SC ST OBC अल्पसंख्यक मराठा, ये जो चल रहा है ये हमारे देश के लिए, हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारी सामाजिक समरसता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि हमारे देश को आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो सबको समान अवसर देना होगा, योग्यता का सम्मान करना पड़ेगा। ये नहीं कि महाराष्ट्र में जो क्लैट की राष्ट्रीय विधि विभाग के संस्थानों की जो परीक्षा आयोजित की थी उसमें SC ST OBC को क्रमशः 5%, 7% उनका कट ऑफ जो था अंक, और 9% था, जबकि सामान्य वर्ग का 71% और 75%, यानी कि 17% वाला बच्चा भी परीक्षा में अधिक गुणांक लाने के बाद भी 5% वाले से हार जाएगा, उसको अच्छे संस्थान में प्रवेश नहीं होगा। अभी तक सपाक्स पार्टी के कितने कैंडिडेट नामांकन भर चुके हैं? अभी तक हमारे जो विधानसभा मध्य प्रदेश है उसके उपचुनाव में 12 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और इसी प्रकार से बिहार राज्य की जो विधानसभा है उसमें भी हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें अभी 4 उम्मीदवार नामांकन भर चुके हैं, और अब और 4 जो थर्ड फेज के 4 और उम्मीदवार नामांकन भरने आज से जो शुरू हो रहे हैं वो जा रहे हैं। हम किसी को जज नहीं कर पा रहे, वो एक महिला के नाते अगर उनको आइटम कहा होगा तो वो बिल्कुल गलत है, पर अगर वो आइटम जो है वो कोई जातिवादी संज्ञा में नहीं आता है, इसलिए हरिजन एट्रोसिटी एक्ट उस पर नहीं लगेगा। आज जो पेपर में आएगा कि वो हरिजन एक्ट में कोई FIR दर्ज करने जा रही है तो उसके लिए तो 6 महीने की जेल है। आपने पहले संकल्प में लिखा है सामाजिक समरसता, कैसे लाएंगे आप? सामाजिक समरसता इसलिए लाएंगे कि हम जातिवादी कानून और जातिवादी आरक्षण के खिलाफ बहुत दृढ़ता से खड़े हुए हैं। नहीं, आज भी स्थिति है, ग्वालियर चंबल में आप जाएंगे, एक बड़ा वोट बैंक है SC ST का, तो वो आपको वोट क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे कि उनको 90% लोगों को लाभ ही नहीं मिला है। हम सारे गरीबों की हिमायती हैं, देश में जितने भी गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, अल्पसंख्यक हो, गुर्जर हो, मराठा हो, सामान्य वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये हमने हमारी जो 70 साल की जो सरकारें हैं उन्होंने बांट के रखा है। इसमें हमारे सपाक्स पार्टी के सिद्धांतों का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया। यह तीसरा पत्र है, पहला पत्र हमने विधानसभा 2018 में निकाला था, इसके बाद लोकसभा में निकाला था, अब ये विधानसभा चुनाव के लिए निकाला गया है जिसमें कुछ नए मुद्दे जोड़े गए हैं। इस संकल्प पत्र में सबसे पहला मुद्दा है कि हम अखंड और एकात्मक अखंड भारत की कल्पना करता है समाज पार्टी, सपाक समाज की रचना के लिए हम अग्रसर होते हैं। हमारे देश में तरह तरह के जातिवादी कानून हैं, उन जातिवादी कानूनों की सपाक्स पार्टी रचना करता है, निंदा करता है, और हमें जो संविधान के द्वारा 15 अनुच्छेद में जो समानता का अधिकार दिया है उस समानता के अधिकार के आधार पर हमारे सारे कानून होने चाहिए, और जातिवादी कानून जैसे एट्रोसिटी एक्ट समाप्त होने चाहिए, क्योंकि इसका जो सफलता का प्रतिशत है वह
3% से लेकर 20% तक है। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश 93% और क्रमशः जो है 90% से अधिक लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा है कि जो इमरती देवी जी हैं उन्होंने हरिजन एक्ट में कमलनाथ जी को फंसाने की घोषणा की है और उनका तब तक मैं धरने पे बैठी रहूँगी। तो ये हरिजन एक्ट का दुरुपयोग है और इस का दुरुपयोग कोई भी नहीं कर सके, इसके लिए हमारी सपाक्स पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ देश में पैदा होने वाली जितनी भी फसलें हैं उसका आयात तत्काल रूप से बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे किसानों को सीधा नुकसान होता है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.